एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर लीविंग फॉर इस्लामाबाद टुडे और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। इतनी सुबह उठना वैसे बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप रात को 3 बजे सोए हों। हम लोग इस्लामाबाद पहुंच के वहां पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे नॉर्दर्न एरियाज। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि हम लोग कहाँ कहाँ गए एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। तो ये रेस्ट एरिया आ गया है, यहाँ हम लोग थोड़ी देर स्टे करेंगे, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि सुबह हम लोग जब निकले थे तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था और अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये ज़रा मौसम चेक करें, फिट किस्म का मौसम हो रहा है। सुबह सुबह ट्रैवल करने का वैसे अपना ही मज़ा है। इस्लामाबाद हम लोग पहुंच गए थे और अब हम जा रहे हैं भूरबन। और ये ज़रा शॉल्स चेक करें, काफ़ी प्यारी शॉल्स थी यहाँ पे। अच्छा, भूरबन के रास्ते में काफ़ी जगहों पे आपको इस तरह की शॉल्स नज़र आएंगी। फाइनली हम लोग भूरबन भी पहुंच गए हैं, अब अपने रूम में आ गए हैं हम। और जी ये ज़रा व्यू चेक करें, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही जगह लगी, बहुत सुकून वाली है ये जगह वैसे। ये है हमारा रूम, वो सामने लगेज पड़ा है, साथ में मेरा वैनिटी बॉक्स है। और ये मैं हूँ। रेस्ट हो गया है और अब हम रेडी हैं बाहर जाने के लिए और अब हम लोग नीलम पॉइंट जा रहे हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करें इस ट्रैवल को। नीलम पॉइंट पहुंच चुके हैं, ये है दरियाए नीलम, पानी बहुत मज़े का ठंडा है। गर्मी से इतना तंग आए हुए हैं ना, दिल कर रहा है बस ऐसे ही पानी में पांव डाल के बैठे रहें।
लोग जी अब रूम में वापस आ गए हैं, बहुत थकावट हो गई थी और मैं अपना चाय का कप लेके अपनी फेवरेट जगह पे वापस आ गई। हम लोग अब अयूबिया जा रहे हैं। रास्ते में कोई पॉइंट आता है, पता नहीं क्या नाम है इसका, बड़ी प्यारी जगह है ये। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं। देखेंगे सुपर फ्रेश एप्रिकॉट एंड प्लम, और ये इतने कोई टेस्टी है ना, हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े ही बहुत सारे खा गए। अयूबिया पहुंच गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रैक है विच इज़ कॉल्ड पाइपलाइन ट्रैक। हम लोग अब उस ट्रैक पर जा रहे हैं। ऊपर हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं और अब नीचे आ गए हैं ट्रैक पर। अच्छा, ट्रैक के एंट्री के पॉइंट पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के लगाई हुई हैं और अब यहाँ से हम लोगों ने टिकट ली है। अब हम अंदर जा रहे हैं। ऊपर गाड़ियाँ पार्क करके आपको नीचे पैदल ही आना पड़ेगा। ये टोटल 4 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, नीचे टनल भी है। जब हम इस ट्रैक पे एंटर हुए थे ना, तो ये हल्की हल्की धूप थी, बट अब इतना मज़े का कोई मौसम हो गया है ना, टोटली क्लाउड्स आ गए हैं और हो सकता है कि किसी भी टाइम यहाँ पे बारिश हो जाए। यहाँ बैठ के ना थोड़ा सा मुझे खौफ भी आ रहा था कि पीछे से कोई टाइगर कोई लेपर्ड वगैरह ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सुना है कि लेपर्ड्स वगैरह हैं, बट वो दिन में मोस्टली नहीं आते। रात के टाइम कभी किसी को नज़र आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ वैसे नहीं आते। यहाँ पे बच्चे बड़े सब आते हैं, तो
तो ऐसी कोई टेंशन वाली उससे बात नहीं है। आप लोग आना चाहें तो आराम से आ सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। नाउ वी आर गोइंग क्योंकि मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो ये ना हो कि बारिश ज़्यादा हो जाए और हमें जाने में फिर प्रॉब्लम हो। और ये ऊपर आते साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई और थैंक गॉड हम लोग टाइमली ऊपर आ गए। नथिया गली, वहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद रात को हम जाएंगे मरी वहाँ पे माल रोड पे। असल जाने का मज़ा वैसे रात को ही आता है, तो हम लोग रात तक माल रोड पहुँच जाएंगे, वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। जी तो हम लोग मरी पहुंच गए हैं, माल रोड पे आ गए हैं और यहाँ पे पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। आज है हमारी वापसी लाहौर के लिए और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।